हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। तो 16 जनवरी सन 2021 इतिहास में तारीख दर्ज हो चुकी है सुनहरे अक्षरों में, क्योंकि वो तारीख है जहाँ पे मानवता को दूसरा जन्म मिला है। कल से वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है हमारे देश में, लेकिन कुछ लोगों को उस देश की वैक्सीन पर जो है शंका है, जो देश एक नहीं बल्कि दो दो वैक्सीन बनाने में कामयाब हुआ है और अभी भी कुछ वैक्सीन पर काम चल रहा है। तो जहाँ पे 9 कंट्रीज़ ने हमसे रिक्वेस्ट किया है वैक्सीन के लिए, मतलब मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए रिक्वेस्ट किया है 9 कंट्रीज़ ने, माफ़ कीजिएगा, 9 कंट्रीज़ ने, जिनमें 2 में जा भी चुकी है, फर्स्ट लॉट जो जा भी चुका है ब्राज़ील में पहले गया है और दूसरे साउथ अफ्रीका में जा चुका है। जब बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी वैक्सीन में भरोसा कर रही हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारी वैक्सीन पे, हमारे डॉक्टर्स पे, हमारे साइंटिस्ट पे शंका है, हमारी कामयाबी पे शंका है, हमारी काबिलियत पे शंका है। उसमें सबसे पहला नाम विपक्ष का आता है, विपक्ष को सपोर्ट करने वाला दूसरा नाम है उनका मीडिया जो उनको सपोर्ट करता है, और तीसरा आपके हमारे बीच रहने वाले आम जनता में मोदी के हेटर्स। तो ये लोग क्यों वैक्सीन से नर्वस करते हैं मुझे समझ नहीं आती, मुझे आप बताइए। इनको हर चीज़ मोदी की लगती है, वैक्सीन मोदी की है, कोरोना वायरस भी मोदी ने दिया, हर चीज़ ईवीएम मोदी की है, सुप्रीम कोर्ट मोदी की है, इलेक्शन कमीशन मोदी का है, हर चीज़ इनको मोदी की लगती है। देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि मोदी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, क्यों नहीं लगवाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी अगर वैक्सीन लगवा लेता तो उस पर राजनीति होती। तो वैक्सीन लगवाए तो दिक्कत है कि भैया मोदी ने क्यों लगवाई, पहले गरीबों तक जानी चाहिए थी, पहले हेल्थ वर्कर्स को जानी चाहिए थी। मोदी को हर चीज़ पहले लगवानी है, हैं, इसको कैमरे में भी दिखना है, इसको बाहर भी घूमना है, इसको वैक्सीन भी पहले चाहिए, फिर तो ये डायलॉग आते। अब जब वैक्सीन पहले हेल्थ वर्कर्स पर लगी है, एक सिस्टम बनाया है, एक पूरा वैक्सीन का प्लान बनाया है उन्होंने, कैसे इनको जो है वो प्लान लगे, कैसा प्लान है पूरा कि कैसे किसको कब लगेगी, तो उस पे भी इनको दिक्कत है। और वैक्सीन पर शंका वो लोग कर रहे हैं जिनका खुद ने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। कांग्रेस को लोग कह रहे हैं इसमें सुअर की चर्बी है, उन्हीं के हिंदू को कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें गाय की चर्बी है, हिंदू हो तुम मत लगवाओ, मुसलमान हो तुम मत लगवाओ। तो इस तरीके से अगर इन्होंने ये हरकत करनी है तो वाकई में अगर विपक्ष जहाँ पर इस वक्त है ना, बिल्कुल उन्हें सही जगह पर है। और अगर इतनी ही शंका है मुझे आप बताइए तो क्यों फिर कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन जा रही है? मतलब आओ ना राजस्थान में, मतलब आओ ना पंजाब में, क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि वैक्सीन आना सौभाग्य की बात है, अब हम लगवाएंगे, हम गरीबों को देंगे। ठीक है जी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के धन्यवाद किया, किसने किया जी? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया जी, कहते हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का, वैक्सीन आई है, मानवता का न्याय। पहली बात तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने किया, कि जिन्होंने एक साल पूरा लैब में बिताया है और हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड सिर्फ इसी चीज़ पर रिसर्च करी है, मानवता को ये दी है वैक्सीन, और 9 कंट्रीज़ में हमारी वैक्सीन जाएगी, कितने गर्व की बात है। 9 कंट्रीज जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, देखिए, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मालदीव्स, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, अपना श्रीलंका, भूटान और भी कंट्रीज़ हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो 9 कंट्रीज़ हैं टोटल जिन्होंने ये वैक्सीन जो है, बांग्लादेश, जिन्होंने ये जो है वैक्सीन मांगी है और जहाँ जाएगी भी, ठीक है जी। लेकिन कुछ लोगों को शंका है, वो शंका ही रहेगी। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती, सोच के देखिए, अगर यही कांग्रेस की सरकार में ये पेंडेमिक आया होता, जो लॉकडाउन के भी जो है खिलाफ थे, लॉकडाउन में नहीं होता, ठीक है, तो ये इनके खिलाफ थे। दूसरी बात, वैक्सीन आती, वैक्सीन का नाम क्या होता जी? गांधी वैक्सीन, हाँ जी, इंदिरा गांधी वैक्सीन, राजीव गांधी वैक्सीन, हर वैक्सीन का ये अपने गांधी परिवार के ऊपर नाम दे देते, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी वैक्सीन, सोचिए अगर राहुल गांधी अगर आज प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ ऐसे पद पर होते, मतलब बिल्कुल ही अगर दया नहीं दिखानी भगवान ने, तो ऐसे दिन आ जाते हमारी लाइफ में कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख लेते, कुछ ऐसा दिन हो जाता।
तो राहुल गांधी के जन्मदिन पर जी पहली वैक्सीन लगेगी। हाँ जी, राहुल वैक्सीन हो गई जी, गांधी वैक्सीन हो गई जी, राजीव गांधी वैक्सीन हो, ये हर बार यही करते हैं। और अभी भी कुछ कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि ये जो है इंदिरा गांधी के टाइम से बात चल रही थी कि हमको ये चीज़ें बनानी चाहिए, हमारे साइंस पे जो है काम होना चाहिए, हमारे साइंटिस्ट को नया काम आना चाहिए, तो इंदिरा गांधी वैक्सीन होना चाहिए इसका नाम। अब ये जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इससे हमें क्या लेना देना है, लेकिन जो भी बात है इसका नतीजा निकलना चाहिए और जनता इनको दिखा देगी इनकी क्या औकात है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, चलता हूँ, जय हिंद, जय श्री राम। सर गाइस माफ़ कीजिएगा, वीडियो में आपको एक बात बताना भूल गया था। तो जिनको हमारी वैक्सीन पर शंका है उनको हम ये बात बताते चलें कि जो दो वैक्सीन आई है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है उनके जो CEO हैं उन्होंने खुद वो वैक्सीन लगवाई है। पहले आदार पुनेवाला जी ने वो खुद वैक्सीन लगवाई है, और दूसरी वैक्सीन जो है भारत बायोटेक की उनने कंपनसेशन के लिए भी कह दिया है कि अगर उनकी वैक्सीन, उनको इतना भरोसा है कि उनकी वैक्सीन कोई रिएक्शन नहीं देगी, अगर देगी तो कंपनसेशन देने को भी वो कंपनी तैयार है। वैक्सीन फ्री है, कोई रिएक्शन अगर देती है खुदा ना खास्ता तो कंपनसेशन देने को तैयार है, इतना भरोसा है उनको। और ये जो कांग्रेसी जो बार बार ड्रामे कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं होनी चाहिए थी, अब ये ट्रायल बाकी थे या कुछ बाकी थे, साइंटिस्ट को खुद भरोसा नहीं है, बनाने वालों को खुद भरोसा नहीं है, मैं कहूंगा उनसे कि आप ये कोरोना पीड़ित हो गए अगर खुदा ना खास्ता तो वैक्सीन लगवाइएगा नहीं, लगवाइएगा नहीं।